नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। मनोहर थाना कस्बे में भारतीय किसान संघ के किसानों व तहसील कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा तहसील अध्यक्ष बालचंद लोधा की मौजूदगी में किसानों की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। भारतीय किसान संघ के तहसील मंत्री नेमीचंद लोधा ने मनोहर थाना क्षेत्र में खरीफ सीजन में किसानों को मिलने वाले अनुदानित बीज सोयाबीन को समय पर देने की मांग की है, ताकि किसान बाजार में मिलने वाले महंगे दामों के बीज खरीदने से बच सके और समय पर बुआई कर सके। साथ ही जिन किसानों को कोरोना महामारी में मौत हुई है, उन किसानों के सभी बैंकों के ऋण में KCF माफ करने की भी मांग की है। वहीं जिला प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया कि मनोहर थाना तहसील में कुल 27 पंचायतें हैं, जिसमें सिर्फ 10 पंचायतों पर ही पटवारी काम कर रहे हैं। बाकी 17 पंचायतों पर पटवारी नहीं होने से किसानों को अंतकाल व रिट दर्ज कराने के लिए किसानों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाला पैसा बहुत सारे किसानों के खाते में नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी जांच करवाकर पीएम सम्मान निधि से वंचित रहे किसानों को भी समय पर पैसा देने की मांग की गई है। मनोहर थाना में लहसुन मंडी नहीं होने से किसानों को लहसुन बेचने के लिए छिपा बड़ौन मंडी जाना पड़ता है। किसानों का लहसुन समय पर बिक जाए ताकि खराब नहीं हो, इसके लिए व्यवस्था करवाने और मनोहर थाने में नवीन कृषि मंडल चालू करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान जिला प्रभारी राजेंद्र वर्मा, तहसील अध्यक्ष बालचंद लोधा, तहसील मंत्री नेमीचंद लोधा, तहसील प्रचार प्रमुख रविशंकर, राम रतन लोधा मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में हमने SDM साहब चारण साहब को ज्ञापन दिया। उसमें जो है ज्ञापन में लिखा कि खरीफ की जो फसल है उसमें किसानों के लिए जो बीज अनुदान के लिए आते हैं वो हर वर्ष किसान भाई जो है बुआई कर देते हैं, उसके बाद में उनको दिए जाते हैं, तो वो बीज जो है किसी भी काम नहीं आते हैं और किसान भाई उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो हमने ये SDM साहब को ज्ञापन देकर कलेक्टर साहब के नाम उसमें अवगत कराया कि भाई इस वर्ष मनोहर थाना, खासकर मनोहर थाना पंचायत समिति में तो सबके बाद में ही आता है, तो वो बीज किसान भाई नी बुआई करे उसके पहले हमें उपलब्ध करवाएं। और एक जो यह है कि हमारे जो किसान बंधु हैं पटवारियों के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है, जो अशिक्षित किसान हैं बेचारे उनको पता नहीं रहता है कि हमारे जो पटवार जी है वो कहाँ पर बैठते हैं। तो हमने SDM साहब से अनुरोध किया है कि सप्ताह में एक दिन पटवारी अगर पंचायत मुख्यालय पर बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा। R9 भारत के लिए भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट झालावाड़ से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। पाली जिले के रोहट तहसील के भाकरीवाला गांव का रोहट सामुदायिक सेवा केंद्र में आए डॉक्टर शाहिद अंसारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य गलियों में जाकर के आम लोगों से सर्वे के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने बताया कि स्थानीय कोर ग्रुप कमेटी का बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसकी बदौलत यहाँ पर कोरोना के मरीज नहीं के बराबर है। उन्होंने लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने व बार बार अपने हाथों को साबुन से धोने के लिए प्रेरित किया। हमारे ब्यूरो चीफ सोहन गुड़पाल ने बताया कि स्थानीय पाली जिला के कलेक्टर अंशदीप ने भी थोड़े दिन पहले इस गांव को दौरा किया था और उन्होंने भी कोर ग्रुप कमेटी की सराहना की थी। इस पूरे कार्य को सफल बनाने के लिए गांव अल्टिया में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत GNM डॉक्टर राकेश कुमार, आंगनबाड़ी कर्मचारी BLO और स्थानीय सरपंच आमरा राम बेनीवाल व समस्त कोर कमेटी के सदस्य प्रतिदिन सर्वे रिपोर्ट पेश करते हैं, जिसकी बदौलत इस गांव की पूरे पाली जिले के अंदर प्रशंसा की जा रही है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि यह कोर ग्रुप कमेटी सदैव सफल संचालन करे, ताकि स्थानीय ग्रामवासी कोरोना की चपेट में ना आ सके। तो सुनिए मेडिकल टीम के डॉक्टर साहिद अंसारी की खास रिपोर्ट। उनका सर्वे किया है, रैंडम चेकिंग की, सभी घरों में जाके देखा, यहाँ का सर्वे जो काम है हमारे मेडिकल स्टाफ का, आशा बहन जी का, BLO साहब का, सरपंच साहब का काम बहुत बढ़िया है। सभी घरों में लगभग हमने 5-5 बार सर्वे किया जा चुका है और जो भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लोग मिले हैं, उनकी आईएलआई के जो लोग मिले हैं उनको सभी जगह मेडिसिन दिलवा दी गई है और उनको जांच के लिए प्रेरित किया गया है। सोहन गुणपाल के द्वारा R9 भारत के लिए रिपोर्ट।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? देश में फैल रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ है। जिस प्रकार लॉकडाउन से कोरोना गाइडलाइन में किराने की दुकानों में रियायत दी गई है, दिहाड़ी मजदूर करने वाले मजदूरों के ऊपर क्या असर पड़ा, लॉकडाउन अलग अलग व्यवसायी का क्या कहना है? मेरा नाम नवीन कुमार चौरसिया है। काय की शॉप है आपके? मेरा मोबाइल की शॉप है, मोबाइल रिचार्ज। सरकार द्वारा जो लॉकडाउन किया जा रहा है, इसको लेकर आपका कितना कार्य प्रभावित हुआ है और क्या कहना है आपका? सरकार के बारे में, मैं सरकार की तो बढ़िया सोच है कि लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन मेरा कहने का यह मतलब है कि जो सरकार ने गाइडलाइन आई है जिसमें खाली किराने की दुकानें खुलने की बात है और कृषि जो है दुकानें वो खुलने की बात है, तो मेरा सरकार से निवेदन ये है कि और भी जो दुकानदार है उनको 6 से 11 बजे तक जो खोलने का समय है उनको भी अनुमति दी जावे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकानदार करेंगे ये पाबंद किया जा रहा हूँ। आपका नाम क्या है? कैलाश चंद। काय की शॉप है आपके? रेस्टोरेंट है। राज्य सरकार द्वारा जो कोरोना काल को लेकर जो लॉकडाउन किया है, इसको लेकर आपका कितना कार्य प्रभावित हुआ है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? कार्य प्रभावित तो हुआ है, बाकी पब्लिक का हित को देख के और ये सराहनीय कदम है सरकार का कि पब्लिक की जान बच जाएगी, जान है तो जान है। काय की शॉप है आपके? पान की दुकान है। सरकार द्वारा जो लॉकडाउन किया गया है, इसको लेकर आपका कितना कार्य प्रभावित हुआ है? लॉकडाउन क्या, पिछले साल जब कोरोना 19 में लॉकडाउन चला था उससे ही उभरे है, उसके बाद दोबारा लॉकडाउन हुआ, अब दुकानें बंद है, कोई सामान खरीद में नहीं आ रहा, न जो कोई प्रशासन द्वारा पान की दुकानें खोल रखी है। काय की शॉप है आपके? रेडीमेड गारमेंट। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन किया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं लॉकडाउन को जरूरी था इस चेन को तोड़ने के लिए, पर जैसे किराने की दुकान को अनुमति दे रखी है, ऐसे ही रेडीमेड कपड़े व्यापार इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को भी छूट दे रही है। इसको लेकर क्या नाम है आपका? काय की दुकान है आपके? चप्पल शॉप है। सरकार द्वारा लॉकडाउन किया जा रहा है, इसको लेकर आपका कितना कार्य प्रभावित रहा है? इसको जा रहा तो क्या है, लॉकडाउन भी जरूरी था वैसे तो, लेकिन जो कार्य प्रभावित हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। कम से कम जैसे किराने का मार्केट खुल रहा है, वैसे कम से कम हमारा भी धीरे धीरे खुला जाए। R9 भारत के लिए गिरिराज रेगर की रिपोर्ट, बकानी झालापुर, राजस्थान से।